रानी जी, बहुरानी जी, आपकी परी दीदी बिल्कुल ठीक है और बरिस्टर बाबू भी घर आ गए। अब आप आराम से सो जाइए, सुबह से इतना सब करते करते थक गई होंगी आप। शुक्रिया दुर्गा माँ, मेरे कहते ही ठीक कर दिया आपने परी दीदी को। कहाँ बरिस्टर बाबू? मेरी बात मानिए बहुरानी जी, तो इस समय आप वहां पे मत जाइए, थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे थे बरिस्टर बाबू। आप वहां बात करने गई, कुछ डांट वांट दिए, पहले ही दिन भर बहुत सहा है आपने बहुरानी। नहीं बारी बाबू, मेरे सवालों के जवाब को देने ही होंगे बरिस्टर बाबू को। बेरिस्ता बाबू उखड़े उखड़े से हैं, पर बोंदेता कौन से बात करने के लिए कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आपके पास धागा होगा बारी बाबू? क्यों, मेरा मुंह सिलना है क्या? ना, जादू करना है। धागा और नारियल का खोल है आपके पास? हाँ भाई, दोनों हैं, पर क्या करेंगी आप? कुछ चीजें बता कर नहीं करते आप, तो बस धागा और नारियल का खोल ला कर दो मुझे, फिर देखना कैसे जादू करती हूँ मैं। ले। दितंग, 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 दितंग। बोंदिता, इस समय मैं बहुत व्यस्त हूँ, और वैसे भी मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं। आपसे बात करने का तो मेरा भी मन नहीं है, पर आपका वो आया है ना? वो क्या? वो जिसे कान में लगा कर आप बात करते हैं। टेलीफोन बोंदिता, टेलीफोन वहीं सामने है, और कोई टेलीफोन नहीं आया है। कहा ना, इस समय बात करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, प्लीज जाओ यहां से। सुन लीजिए, शायद सामने वाले बात करनी हो आपसे। क्या है बोंदिता? अरे ऐसे नहीं, वहां पर जाइए। जाइए ना। बस बोलो बोंदिता, क्या है? ऐसे नहीं, कान पर लगाइए पहले। बोलो बोंदिता। मैं बोंदिता नहीं, उसकी माँ बोल रही हूँ जमाई बाबू। बोंदिता, ये आपकी शिकायत मिली है मुझे, वही बताना है। आप पति बाबू हैं बोंदिता के, पर मुझे पता चला है कि आप विश्वास नहीं करते उसकी बात पर।
ये सच है क्या? सबके सामने उसकी बात को माना नहीं, उसको बुरा नहीं लगा होगा क्या? हेलो मिनी। अनिरुद्ध, मिनी मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मिनी, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं। मिनी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख पाया मैं, पर अंदर ही अंदर हर पल टूट रही थी तुम। मिनी, ये मैं क्यों नहीं देख पाया? मिनी, पर अब ऐसा नहीं होगा। कल से मेरा सारा समय मिनी और बॉन्दिता के बीच बराबर बटेगा। नहीं अनिरुद्ध, बॉन्दिता को तुम्हारी जरूरत है, मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, पर वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी पत्नी है अनिरुद्ध। मिनी, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो क्या? बॉन्दिता पत्नी है मेरी, बचपन की दोस्ती मेरे लिए कोई छोटा रिश्ता नहीं है। हाँ, बॉन्दिता की भलाई, बॉन्दिता की खुशी मेरे लिए जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उस खुशी उस भलाई का भुगतान तुम अपनी खुशी से करो। मिनी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। मिनी, और इसीलिए कल से मेरा दिन आधे में बटेगा। आधा हिस्सा मिनी का होगा, सिर्फ मिनी का होगा। और बाकी आधा बॉन्दिता का। अनिरुद्ध ने क्या कहा? वही जो मैं चाहती थी। सॉरी बोल रहा था और माफी मांगते मांगते रोया भी मेरे लिए। देखा, आखिर झुका दिया अनिरुद्ध को मैंने अपने सामने। वैसे थैंक यू बाबा, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अपनी जिया की खुशी के लिए उसका बाबा कुछ भी कर सकता है, और अपने बिजनेस के लिए भी, है ना बाबा? अगर अनिरुद्ध रॉय चौधरी इस घर का जमाई बन जाता है तो आपका भी बिजनेस ऊंचाइयां छुएगा ना बाबा। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। एक दिन के नाटक ने ऐसा असर दिखाया अनिरुद्ध पे कि आज से उसका आधा दिन मेरा। पर सिर्फ 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे। मैं भी मिनी हूँ, आधे दिन से खुश होंगी क्या मैं? मुझे तो अनिरुद्ध और उसका समय दोनों ही पूरे के पूरे चाहिए, और उसका पूरा दिन जल्द ही हासिल करके रहूंगी मैं, और रात भी